ये क्या कह रहे हो? तुम भी हद करती हो। कुणाल यहाँ क्यों आएगा? आई एम सॉरी पलाश, मैंने तुमसे ये बात पहले नहीं बताई, लेकिन जब से कुणाल ने हमारी शादी की बात सुनी थी तब से मेरा वो पीछा करते आ रहा है। हाँ पलाश, मेरे घर के सामने रात को बाहर आकर खड़ा हो जाता था। मान लिया कि कुणाल तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन उसकी वजह यह भी तो हो सकती है कि उसे ये लगता है कि तुमने उसे धोखा दिया है, और अगर हम उसके नजरिए से देखें तो वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। निमो, मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा, वो गलत है, लेकिन कुणाल क्रिमिनल नहीं है, वो एक समझदार इंसान है, तो इसलिए हमें उसे समझाना होगा कि जो भी वो कर रहा है वो गलत है। हम उसे समझाएंगे कि तुम उसका अतीत हो जिसे उसे भुलाना ही होगा। नहीं पलाश, मुझे नहीं लगता वो किसी की बात सुनेगा, वो गुस्से में पागल है, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, वो इस हालत में कुछ भी कर सकता है। अब तो मुझे उसे देखकर भी डर सा लगता है पलाश। अगर ऐसी बात है नहीं तो अगली बार जब भी वो तुम्हें देखे तो मुझे बता, मैं उससे बात करूंगा। लेकिन अगर तुम उस वक्त मेरे पास नहीं रहे तो मैं अकेली हुई तो तुम उससे बात मत करना, क्योंकि अगर तुम उससे बात करोगी तो उसकी तकलीफ और बढ़ेगी, और जब तुम उससे बात करना बंद कर दोगी तो धीरे धीरे उसे एहसास हो जाएगा कि तुम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। और अगर सही कहूँ निमो, तो मुझे अभी भी ये लगता है कि ये तुम्हारे ख्याल है, तुम्हारा वहम है, क्योंकि तुम्हें अंदर ही अंदर इस बात का अफसोस है कि जो भी तुमने कुणाल के साथ किया है वो ठीक नहीं था। निमो, तुम्हें इन ख्यालों को अपने दिमाग से निकालना होगा, और जहां तक कुणाल का सवाल है तो वो धीरे धीरे इस झटके से उभर जाएगा। ही विल बी फाइन। सच में क्या ये सिर्फ मेरा वहम है? पर मैंने महसूस किया था उसकी सांसों को अपने बहुत पास, लेकिन हो सकता है पलाश जो भी कह रहा था वो सच हो। आखिर कुणाल यहाँ क्यों आएगा? मिस्टर पलाश, hey. टाइम क्या हुआ है? 11 बज गए। अरे बाप रे, 11 बज गए। I'm so sorry, वो काम में टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ, मुझे भी कुछ पता नहीं चल रहा है। ये शोरूम को खुले हुए सिर्फ 4 दिन हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें 4 महीनों से नहीं देखा है। तुम घर पे कब आते हो? जब मैं सो जाती हूँ। लेकिन तुम्हें गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स बोलता हूँ। हाँ कहते हो, लेकिन फोन पर, और फिर सुबह गुड मॉर्निंग कहकर यहाँ पर आ जाते हो। तुम तो जानती हो बिजनेस में क्या होता है, आदमी खुद का गुलाम हो जाता है। अब देखो ना, मैं खुद का गुलाम हो गया और तुम्हारा भी। चलो, अरे 1 मिनट, मैं देख कर आता हूँ कि बैकडोर बंद है या नहीं। तुम चलो, मैं आता हूँ। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? आप ये समझ लीजिए कि पलाश की किस्मत बहुत अच्छी थी, सिर्फ मामूली बर्न इंजरीज के साथ वो बच गया है। वो बैकडोर के साथ में था इसलिए शायद बच गया, लेकिन हमारा शोरूम ठीक है, सब कुछ चल गया। बल्लभ सब कुछ, इसका मतलब समझते हो तुम? हमने सारे फर्नीचर की जिम्मेदारी ली थी और इंश्योरेंस भी नहीं हुआ था, अब इसकी भरपाई हमें करनी पड़ेगी। 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए उन्हें चुकाने होंगे। आनंद माथुरिया आती है ना? जी। यहाँ कैसे लगी, कुछ जानते हैं आप लोग? जी मेरे ख्याल से शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, पूरा शोरूम फर्नीचर से भरा हुआ था इसलिए आग को फैलने में टाइम नहीं लगा। यानी कि ये एक्सीडेंट का केस है? नहीं इंस्पेक्टर, ये एक्सीडेंट का केस नहीं था। एक्सीडेंट नहीं था तो? मैं भी कल वहां थी इंस्पेक्टर, और मैंने कुछ आवाजें भी सुनी थी। मुझे लगता है किसी ने आग लगाई है हमारे शोरूम को। किसी को आपने देखा वहां पर? किसी पर शक? हाँ इंस्पेक्टर, शक है। किस पर? कुणाल सैगल। निमो, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे सीधा कुणाल पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो तुम? तो पलाश, और कौन कर सकता है ये काम? और मुझे लगा भी था कोई था वहां पर। तुम कहना क्या चाहती हो कि कुणाल ने आग इसलिए लगाई क्योंकि वो मुझे मारना चाहता है? सुनने में कितनी अजीब लगती है ये। तुम्हें लगता होगा पलाश, लेकिन मैंने कुणाल का पागलपन देखा है। मुझे लगता है वो ऐसा कर सकता है, लेकिन पलाश अगर ये एक्सीडेंट केस नहीं है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन तो करने दो। क्या कहना चाह रहा है जरा साफ साफ बताओ निमो। मेरी वाइफ को लगता है कि इन सब के पीछे कुणाल सैगल का हाथ है, लेकिन हम सीधे सीधे उस पर उंगली नहीं उठा सकते। तब बस आपसे ये गुजारिश है कि आप इन्वेस्टिगेट करते वक्त इस बात को ध्यान में रखें। ऐसे मैं चलता हूँ। ये तुम क्या कह रही हो निमो? निमो, तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कुणाल कुमार ऐसा कर सकते हैं। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और जब तक मुझे पता नहीं चल जाता इसके पीछे किसका हाथ है, मैं चुप नहीं बैठने वाली। हमारी ज्वेलरी एग्जीबिशन शुक्रवार को शुरू होगी और संडे को खत्म होगी, और इस खानदान का सबसे बड़ा और कीमती डायमंड पब्लिक को आखिरी बार दिखाया जाएगा, क्योंकि हमने इस रत्न को एक विदेशी खरीदार को बेच दिया है। काश कुणाल जल्दी से वापस आ जाए, क्योंकि हर साल वो ही ये इवेंट मैनेज करता था। उसके बगैर पता नहीं हम क्या करेंगे। दादी, कुणाल कब तक वापस आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, और हम उससे फोन पे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो इस काम में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। समर, मैं जानती हूँ कि तुम हेल्प करना चाहते हो, लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है। हर साल कुणाल ही इसे मैनेज करता था और उसे इस बात का एक्सपीरियंस है, और उसके आज यहाँ ना होने से इतनी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी कैसे किसी और को सौंपी जा सकती है? मुझे लगता है ये जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी होगी। पर मम्मी जी, जब घर में सब मदद करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों ना उनकी मदद ली जाए, है ना? बेटा, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। ये हीरे जवाहरात 250-300 करोड़ के ऊपर हैं, इसलिए सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान रखना होगा। मुझे मालूम है कि तुम लोग सब हेल्प करना चाहते हो, लेकिन अगर कोई भी गलती हो गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी, इसलिए जितने कम लोग इसमें इन्वॉल्व हों उतना ही अच्छा होगा। सारा नुकसान सिर्फ हमें ही उठाना होगा। हाँ, हमने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। हमारे भरोसे पर उन्होंने उनकी दुकान और फर्नीचर सब कुछ दिया था। अब नुकसान हमसे हुआ है तो उसका हर्जाना भी हमें ही भरना पड़ेगा ना। पहले कुछ दिनों में जैसा बिजनेस चल पड़ा था, हमें लगा था कि हम ये जिम्मेदारी उठा पाएंगे, और अभी ये 60 लाख का नुकसान हमें ही उठाना है। पर साथ में वो 15 लाख जो पापा ने और बल्लभ काका ने लगाए थे, वो भी डूब गए। हे भगवान, लेकिन ये पैसे कब तक देने होंगे? अब कंपनी तो यही चाहेगी ना कि उनके पैसे उन्हें जल्द से जल्द वापस मिल जाए। लेकिन देंगे कहाँ से, और वो भी 60 लाख। हे भगवान, ये क्या हो गया? कहाँ से चुकाएंगे हम इतनी बड़ी रकम? अब क्या करेंगे हम? अब तो तुम्हें भी साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि क्या चल रहा है इस घर में। धीरे धीरे हर चीज से हमें साइडलाइन कर दिया गया है। ये सब कुछ मम्मी जी की मर्जी से हो रहा है। हमारी तो इस घर में कोई औकात ही नहीं है। जो फैसला भी लेना है कुणाल से पूछ कर लेना है, जो काम भी करना है कुणाल से पूछ कर करना है। जैसे हम तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी इस घर में वो बस कुणाल ही है। कुणाल से कोई शिकायत नहीं। एक छोटा भाई होने के नाते मैंने उसे हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन बदले में क्या मिला मुझे? क्या हम हमेशा सपोर्ट करते रहे? क्या कभी ये ना चाहे कि हमें भी कुछ करने का मौका मिले? आज कुणाल अपनी ही प्रॉब्लम्स में इतना उलझा हुआ है कि वो घर ही छोड़कर चला गया, लेकिन उसके बाद भी मैं उसकी जगह नहीं ले सकता। क्या मुझ में इतनी भी काबिलियत नहीं? अबे, तुम्हारी काबिलियत की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जबकि तुम इस कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हो। दादी जी ने तो साफ कह ही दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ कुणाल को ही बढ़ाना चाहती है, और आज दादी जी तो ये भी नहीं चाहती कि हम में से कोई भी इस ज्वेलरी एग्जीबिशन में इन्वॉल्व हो। मुझे तो इन सब चीजों के पीछे कोई और ही वजह नजर आ रही है। क्या मतलब? और क्या वजह हो सकती है इसकी? पता नहीं, पर इरादा साफ नजर आ रहा है। सिर्फ कुणाल एग्जीबिशन हैंडल कर सकता है, जैसे सारी ज्वेलरी उसी के नाम की हो। ये कैसे हो सकता है? वो तो अपना है नहीं, ऐसा मम्मी जी ने हमें बताया है। सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। हो सकता है वो ज्वेलरी अब भी हमारी फैमिली की कस्टडी में है और सिर्फ सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट के पास रखी हो। मॉम, आप क्या कह रहे हो? देखो बेटा, मेरे लिए भी आसान नहीं है मम्मी जी पर इस तरह शक करना, लेकिन ये तो तुम भी जानते हो, इससे पहले भी बहुत कुछ नहीं बताया गया है। याद है जिस दिन इस फैमिली की आधी प्रॉपर्टी बिना बताए किसी और के नाम कर दी गई थी? उस दिन बताया था हमें? हाय हाय, क्यों बताया जाएगा? हाँ, इस घर में तो सबको कुणाल की खुशी की पड़ी रहती ने। हमें माँ और बाबूजी, उनको सिर्फ कुणाल की फिक्र पड़ी रहती, बाकी किसी की नहीं। मेरा बेटा के सब जेल में है, देखो। माँ ना मेरे डीकरे से गलती हो गई, लेकिन पछता रहा है ना, जेल में है ना। लेकिन कुणाल ने उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं। क्या मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? जो हो रहा है उसको बदल तो सकते हैं, और मुझे नहीं लगता इस इवेंट से अच्छा कोई और मौका होगा। मैं समझा नहीं ना, आखिर हम क्या कर सकते हैं? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। ऐसा क्या कर सकते हैं? पर मौका यही है कुछ करने का। आखिर कुणाल भी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन करें तो क्या? एक ही रास्ता है जिससे हमारी हैसियत पहले जैसी बन जाए और कुणाल की मोनोपोली हमेशा के लिए खत्म करने का। ये तभी हो सकता है जब ये सारी ज्वेल्स मेरे हाथ में आ जाएगा। जल्दी मुझे बताया। स्वाति कहीं और ट्राई करो, जॉब तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। स्वाति इतने जल्दी हार नहीं मानती बेटा। मुझे कोई जॉब नहीं मिलने वाला यहाँ पर क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वहाँ लंदन में भी जॉब्स की शॉर्टेज है। मुझे कोई नहीं बुलाने वाला है। स्वाति, स्वाति तुम प्रेगनेंसी के बाद ही जॉब क्यों नहीं करती? तब तक तो अच्छी जॉब भी मिल जाएगी तुम्हें। मैंने वापस लौटकर बहुत बड़ी गलती की। लंदन में रहती तो अब तक कोई दूसरा जॉब मिल भी गया होता। स्वाति तुम परेशान क्यों हो रही हो? देखो स्वाति, घर पे कोई नहीं चाहेगा कि कर्ज उतारने के लिए तुम्हें इस हालत में जॉब करनी पड़े। तुम परिवार की चिंता मत करो स्वाति, हम सब संभाल लेंगे। मुझे परिवार की चिंता नहीं है निम्बू, मुझे अपनी फिक्र है। इस बच्चे ने मेरी मुश्किलें और बढ़ा दी। प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं लंदन वापस चली जाती, यहाँ भी चैन नहीं। स्वाति, घर पर इतनी मुसीबतें आई हैं, उसकी चिंता नहीं तुम्हें? क्या जरूरत थी पापा और काका को नई बिजनेस शुरू करने की? गुस्सा आ रहा है मुझे इस पागलपन पर। क्यों ली 60 लाख रुपए की फर्नीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुम्हारी औकात ही इतनी बड़ी नहीं। और मैंने तुमसे कहा था ना निम्बू कि पलाश से शादी करने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लो। स्वाति, स्वाति तुम ये कैसी बातें कर रही हो? स्वाति पलाश ने हमारी कितनी मदद की है। पापा का पागलपन अपने बच्चों के लिए प्यार था उनका। स्वाति उन्होंने ये कदम इसीलिए तो रिस्क ले लिया, लेकिन भुगतना तो हम सबको पड़ेगा ना। परेशान हो गई हूँ मैं, इस घर में परेशान हो गई। तंगी तो हमेशा ही रही, जो भी हमेशा मैंने चाहा मैं कभी नहीं कर पाई क्योंकि हमारे पास इस घर में पैसे ही नहीं थे। और देखो अब उन्होंने क्या किया, तुम घटना है मेरा यहाँ पर। I feel completely trapped। निमो, क्या तू ठीक है ना? निमो मैं ठीक हूँ। आनंद, खाना लगाए, चलो खा लो। हाँ चलो खा लेते हैं। बुला लो बाकी सबको। ये स्वाति कहाँ है? आज पूरे दिन में मैंने उसे देखा ही नहीं। उसे फिर से कुछ हो गया क्या? नहीं, थोड़ा टेंशन में है, आ जाएगी। तुम चलो ना। चिंता होती है कांता, पता नहीं और क्या क्या देखना है हमें। एक तरफ कर्ज इतना बढ़ गया है कि समझ में नहीं आता कैसे चुका पाएंगे। आनंद सब ठीक हो जाएगा, चलो ना खाना खा लो। मैं स्वाति को बुलाती हूँ। स्वाति, ए स्वाति।